हाय दोस्तों, टेक्निकल मनीष में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रेवल करना चाहते हैं और साथ ही साथ फर्स्ट एसी क्लास के कुप्पे केबिन को बुक करना चाहते हैं, यानी आप कुप्पे केबिन में सफर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है कुप्पे केबिन बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कुप्पे केबिन में सफर कर सकते हैं। क्योंकि कुप्पे केबिन बुक करने के लिए कुछ थोड़े से जो है टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी बुक करने वाले हैं फर्स्ट एसी कुप्पे कोच, तो उससे पहले आप जो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लीजिए, ताकि जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके वो सारे के सारे निकल जाए और आप आसानी से कुप्पे कोच में ट्रेवल कर पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सीधी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशंस की, जो कि क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं थोड़े बहुत, जो कि हमें फर्स्ट एसी कोच यानी कुप्पे केबिन के लिए अप्लाई करना होता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं फर्स्ट एसी कोच यानी वीआईपी कोच हो गया, यानी बिजनेस क्लास आप बोल सकते हैं उसको। तो ये जो फर्स्ट एसी कोच या खास करके कुप्पे केबिन जो होता है उसमें सबसे पहले वीआईपीज को प्रायोरिटी दी जाती है। इट मींस कि अगर आपने सपोज दैट आप फर्स्ट एसी क्लास की जब टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कुप्पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो आता है, और जब आप कुप्पे सेलेक्ट करके जब आप आगे प्रोसेस करके टिकट को पेमेंट वगैरह करके जब आप टिकट बुक कर लेते हैं, तो टिकट के सामने यानी आपके नाम के सामने कोई भी बोगी नहीं लिखी हुई होती है, ना ही कोई बोगी लिखी होती है और ना ही आपको वहाँ पे कोई भी सीट नंबर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे CNF लिखा होता है, यानी कन्फर्म है, लेकिन आपको सीट नंबर जो अभी नहीं दी गई है। सीट नंबर कब मिलती है? वो 4 घंटे पहले जब चार्ट बनती है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कोई भी वीआईपी उस दिन ट्रैवल कर रहा हो, और कोई भी वीआईपी अगर ट्रैवल कर रहा है तो सबसे पहले वो जो है कुप्पे केबिन ही जो वो सब मांगते हैं, यानी उन लोगों को कुप्पे केबिन ही चाहिए होता है। इसीलिए जाकर के जो फर्स्ट एसी कोच की बुकिंग के टाइम पर कोई भी सीट नंबर नहीं दिया जाता है। चार्ट बनने के बाद जो है वहाँ लोकल जो स्टेशन के स्टाफ वगैरह होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको कुप्पे केबिन देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है वो वीआईपीज के लिए होती है। अगर आप एक वीआईपी हैं तो सबसे पहले कुप्पे केबिन आपको दिया जाता है। सेकंड नंबर पे बात आती है कपल्स की। अगर आप कपल्स हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ ट्रेवल कर रहे हैं और साथ ही साथ, या फिर आप कोई लड़का लड़के साथ में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी आपको दी जाती है, यानी आप कुप्पे केबिन के बिल्कुल हकदार हैं। और तीसरे नंबर पे अदर पर्सन आ जाते हैं। सपोज मैं अगर ट्रेवल कर रहा हूँ और साथ में मेरा एक दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को एक जो है कुप्पे केबिन ही मिले, तो जाकर के थर्ड नंबर पे हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से जो फर्स्ट एसी कोच की बुकिंग होती है। तो चलिए आगे आपको लाइव वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरीके से आप फर्स्ट एसी कुप्पे केबिन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC को लॉगिन कर लेना है। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप बोर्ड होना चाहते हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सहरसा से जाना चाहता हूँ, जिसका स्टेशन कोड SSC, और मुझे जाना है नई दिल्ली, जिसका कोड है NDLS। उसके बाद आपको जर्नी डेट सेलेक्ट करना है। चलिए मैं 2 जून का सेलेक्ट कर रहा हूँ। फाइन टेस्ट पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद जो भी आपके ट्रेन होंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको कौन से क्लास में जाना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं आपको फर्स्ट एसी की बुकिंग बताने वाला हूँ, तो फर्स्ट एसी मैंने सेलेक्ट किया है। और चेक एवेलेबिलिटी एंड फेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे आपको जो जो डेट में जो सीटें खाली है उस डेट की सीट यहाँ पर अवेलेबल नज़र आ रही है। फिलहाल मैं 2 जून को ट्रेवल करना चाहता हूँ। बुक नाउ पर क्लिक करना है हमें। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ गए हम पैसेंजर पेज पर। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, जेंडर, और फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको मेन ध्यान रखना है। अगर आपको कुप्पे ही चाहिए और अगर आप हस्बैंड वाइफ ट्रेवल कर रहे हैं या फिर एक फ्रेंड्स के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं जो कि गर्ल्स हैं, तो आप कुप्पे केबिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुप्पे केबिन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चांसेस रहेंगे कि अगर आप दो ही लोग अगर एक टिकट पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको चांसेस है कि आपको कुप्पे जो है मिल जाए। अब मैं नेक्स्ट पैसेंजर को ऐड करूँगा। ओके, तो हमने यहाँ पे नेम जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एंटर कर दिया, जेंडर मेल फीमेल भी एंटर कर दिया, कुप्पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंश्योरेंस को हम यस कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब जाकर के हमें यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पे थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मल्टीपल पेमेंट सर्विस है, और यहाँ पर ऑप्शन है भीम UPI के जरिए। फिलहाल मैं नेट बैंकिंग के जरिए करना चाहता हूँ। चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे देख लेना है केयरफुली जहाँ से जहाँ आप जा रहे हैं पैसेंजर नेम का सही है कि नहीं है। A to Z डिटेल्स जो आपने फिल किए हैं वो सभी के सभी आप यहाँ पे केयरफुली चेक कर लें।
ओके, हमने जो यहाँ पे डिटेल वेरीफाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करना है हमें। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ से पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट करूँगा। मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है 7,586.38 पैसे। ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस थे ICICI की। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइनली हमारा टिकट जो है फाइनली बुक हो चुका है, जो कि अभी हमने कुप्पे के लिए टिकट बुक किया है। एक मेल है, फीमेल है, जहाँ तक चांसेस है 99.9%। अगर कोई भी VIP वगैरह अगर ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आसानी से जो हमें एक कुपे केबिन ज़रूर मिल जाएगा। अब इस टिकट को प्रिंट करना हो तो हमें यहाँ पे प्रिंट टिकट इन इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं या हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्रिंट ERS विदाउट एडवर्टाइजिंग ज़रूर कर दें, इससे ये होगा आपका टिकट की क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका अगर आपका कोई प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर शो हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप सेव एज PDF पे क्लिक कर दें। यहाँ से अगर आपको एक ही पेज चाहिए तो एक पे क्लिक कर दें। यहाँ से जो बाकी के नीचे के वेस्टेड पेजेस हैं वो आपके हट जाएंगे। सेव पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप इस टिकट का नाम दे सकते हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि हम फर्स्ट AC क्लास का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ हम कुप्पे केबिन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।